असम में हेमंत विश्व शर्मा की सरकार बनने के बाद से प्रदेश में दलाल राज के खिलाफ पुलिस का अभियान जारी है। माटी दलाली और डीटीओ कार्यालयों में दलालों के खिलाफ अभियान के बाद अब पुलिस ने थानों के बाहर याचिका लिखने के नाम पर हो रही दलाली के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। केवल एक रात में राज्य के विभिन्न इलाकों से 227 ऐसे दलालों को गिरफ्तार किया गया है जिनमें कामरूप जिले से 37 शामिल है। कामरूप के अलावा ग्वालपारा जिले से 13, नौगांव से 12, जोरहाट से 9, लखीमपुर से 8 और धुबरी तथा विश्वनाथ जिले से 7-7 याचिका लिखने वाले दलालों को गिरफ्तार किया गया है। मालूम हो कि थानों में पेटिशन लिखना SI व पुलिसकर्मी का काम होता है, लेकिन पुलिस के बजाय थानों के बाहर कुछ लोग पैसे की एवज में याचिका लिखने की दुकान चला रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ बीती रात जोरदार अभियान चलाया गया और अब तक 227 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें कुछ पुलिसकर्मी भी शामिल है। আমার বিভিন্ন থানার সন্মুখত এজাহার লিখা মানুষ কিছুমান বহি থাকে আর দুখিয়া মানুষের পয়সা লয় বিভিন্ন সেকশন আদি জাপি দিয়ে, তার ফল দুখিয়া মানুষের বহুত কষ্ট হয়ে আছিল। আর থানাত এটা এক প্রকার এটা দালাল টাইপ একটা চক্র গঠন হয়েছিল। আজি আমি 242 জন ব্যক্তি কেতিয়ালৈকে গ্রেপ্তার করেছো আৰু মই ভাবোঁ যে সেই চক্ৰটো লাহেকৈ ভাঙি যাব।